सब्सक्राइब करें किचन विद सना को और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक फ्री में पहुंच जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं YouTube चैनल और किचन विद सना। ईद स्पेशल में आज हम बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आए हैं। इसका नाम है लबे शीरी। ये इतने मज़े की है, अगर आप स्पेशल ईद पे कुछ खाना चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। अगर आपके स्पेशल मेहमान आ रहे हैं तो फिर भी आप इसे ज़रूर बना के उन्हें खिलाइएगा, इंशाल्लाह आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों में, बहन भाइयों में शेयर भी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें। चलिए जी, अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। लबे शीरे के लिए हमने 1 लीटर दूध लिया, 1 पैकेट हमने क्रीम का लिया है, किसी भी अच्छी ब्रांड की आप क्रीम ले सकते हैं। 100 ग्राम हमने फ्रेश खोया लिया है, 3 टेबल स्पून 3 टेबल स्पून हमने कॉर्नफ्लोर पाउडर लिया है, 8 से 10 खजूर लिए हैं, ये देखिए इनके हमने इस तरह बारीक पीसेस काट लिए हैं, 1 प्याली हमने पेने पास्ता लिया है, 1 पीस हमने इसका रख लिया है आपको दिखाने के लिए। ये पेने पास्ता है, इसे अच्छी तरह हमने बॉईल किया है और बॉईल करके इसकी कटिंग कर ली है। 3 तरह की हमने जेली ली है, अगर आप 1 लेना चाहते हैं या 2 लेना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, हमने ये 3 तरह की ली है। 3 फ्लेवर हैं ये, बनाना फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। ये हमने फ्रूट्स लिए हैं, 2 हमने बनाना लिए हैं, केले, 2 एप्पल लिए, ये 2 सेब और ये 2 आड़ू और 1 मैंगो हमने लिया है। अगर इसके अलावा भी आपको फ्रूट्स मौसम के कोई पसंद हैं, जो मोस्टली फ्रूट्स होते हैं, अंगूर इसमें बहुत अच्छा लगता है, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी लगती है, वो भी आप डाल सकते हैं, अदरवाइज हमने ये फ्रूट लिए हैं। ये देखिए, ये ड्राई नट्स हमने लिए हैं, ये छिलके के साथ हमने बादाम लिए हैं, ये भी पिसते हैं, काजू, ये मेवा है हमारे पास, ये 2 किस्म का हमने मेवा लिया है, ये छोटा और ये बड़ा। कुछ फ्रूट्स जो हैं हमने ये बारीक काटे हैं इस तरह से और कुछ हमने ज़रा बड़े साइज़ के काटे हैं। इसे भी आप मिकदार भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टिन बैग मिक्स फ्रूट का है, इसे भी हमने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। 12 से 15 दाने हमारे पास ये छोटे रसगुल्ले हैं, इसे चमचम भी कहते हैं, ये कलरफुल हैं, और कोई और कलर आप इसमें डालना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। 1 प्याली हमने चीनी की ली है, आप मीठा अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। 1 पैन हमने ले लिया है, इसमें हम दूध डालते हैं, थोड़ा सा दूध हम रख लेंगे कॉर्नफ्लोर को मिक्स करने के लिए। जब तक दूध बॉइल होता है हम ये कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा दूध डाल के इसे मिक्स कर लेते हैं। तकरीबन 5 टेबलस्पून हमने दूध डाल दिए, 3 टेबलस्पून हमारे पास ये कॉर्नफ्लोर है। दूध बॉइल हो चुका है, ये दूध बहुत अच्छा है, फुल फैट हमने दूध लिया है और है भी काफी गाढ़ा। अगर आपका दूध गाढ़ा नहीं है तो आप 10 मिनट के लिए हल्की सी आंच पे दूध को गाढ़ा कर लें। अब हम दूध में चीनी डाल देते हैं, चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। चीनी डाल के हमने आधा सेब डाल दिया छिलके के साथ, सिर्फ आधा सेब। हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए हम ये पकाएंगे। पाँच छः मिनट हो गए हैं हल्की सी आंच पे दूध को पकते हुए, आंच हमने तेज़ नहीं की। अब हम आहिस्ता आहिस्ता कॉर्नफ्लोर इसमें डालते हैं, एकदम से हम सारा नहीं डालेंगे। अक्सर लोग इसे कस्टर्ड पाउडर डाल के गाढ़ा करते हैं, लेकिन हमने इसमें सिर्फ सिंपल कॉर्नफ्लोर पाउडर डाला है।
ये देखें जी, सारा कॉर्नफ्लोर वाला दूध हमने इसमें शामिल कर दिया है। अच्छी तरह ये गाढ़ा हो गया, बस इससे ज़्यादा हम इसे थिक नहीं करेंगे। जब ये ठंडा होगा तो ये मज़ीद और गाढ़ा हो जाएगा। अब चूल्हा हम बंद करते हैं और इसे ठंडा करते हैं। हमने इसे इसी तरह से ठंडा करना है, फ्रिज में हमने बिल्कुल भी नहीं रखना, इस पर मलाई वगैरह नहीं आनी चाहिए। ये देखें जी, बहुत अच्छी तरह हमने इसे ठंडा कर लिया। अब हम इसमें डालते हैं खोया, अब डालते हैं क्रीम का पैकेट, अच्छी तरह मिक्स करती हैं क्रीम और खोया डाल के। बहुत ही क्रीमी और बहुत ही ये यम्मी सा बनेगा। बनाना भी हमने डाल दिए है और मैंगो भी डाल दिए, आड़ू भी डाल दिए और सेब भी डाल दिए। ये पास्ता भी हमने डाल दिए, ये खजूर भी हमने डाल दिए, मेवा, बारीक कटे बादाम और बारीक कटे पिस्ते, ये हमने डाल दिए। ये सारी चीजें हम गार्निश के लिए भी थोड़ी थोड़ी रख रहे हैं। मिक्स फ्रूट भी हमने डाल दिए, जेली, आधी जेली हमने गार्निश के लिए रख ली है, बनाना जेली भी हमने डाल दी है, स्ट्रॉबेरी भी डाल दी है और ये मैंगो भी डाल दिए। ये गुलाब जामुन है, इसके हम थोड़े छोटे पीस करके डालते हैं। आपकी मर्जी है, ये अगर आप ऐसे ही साबुत ही डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। चलिए जी, सारा कुछ हम मिक्स करते हैं। अब हम सर्विंग बाउल में निकालते हैं। ये देखिए जी, अब हम ये सारी चीजें जो हमने रखी हैं ये हम डालते हैं, सजाते हैं सारी चीजों के साथ। इस तरह से ये साइड्स पे हमने जेली रख दी है, ये देखें, मिक्स फ्रूट भी हमने रख दी है, ये अब हम बादाम डाल रहे हैं। आप जैसे भी सजाना चाहें आप सजा सकते हैं। मेवे हमने डाल दिए, मैंगो जेली भी हमने डाल दी है। मज़ेदार सी लबे शीरी बिल्कुल रेडी है। आपने देखा आपके सामने हमने कितने आसान तरीके से इसे बनाया है और ये बहुत ही मज़े की बनी है। ये ईद के लिए स्पेशल मीठा है, आपने इसे ज़रूर बनाना है। आज ही आप बना के रख दें ताकि कल तक ये खूब ठंडा हो और खूब मज़े का हो। इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे, मेहमानों के साथ भी आप ये बनाइएगा और खाइएगा। किचन विद सना को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, अपना ख्याल रखिएगा। मीठी मीठी ईद की आपको बहुत मुबारक। अल्लाह हाफिज़।